नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 15। ये दे रखा है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि के अंदर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, एफ आई एक्स आई निकालना, उसका योग करना है, फिर सिग्मा एफ आई का भाग दे दो, तो आपके माध्य है वो निकल के आ जाएगा। यह है प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पे मैं प्रत्यक्ष विधि का ही इस्तेमाल करूंगा। तो सबसे पहले तो जो x दे रखा है यानी x i के रूप में लिख लो, फिर f दे रखा है उसको f i के रूप में लिख लो, और यहाँ पे कर देना f i और x i। ठीक है, अब देखो x i का मान जो दे रखा है, पहला पहला कंटिन्यू लिख लो, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है और 80 है। एफ आई के मान कंटिन्यू लिख लो, 6 है, 11 है, 7 है, 4 है, 4 है, 2 है और 1 है। ठीक है, ये आपके जो टेबल में दे रखे हैं वो के वो मैंने लिखे हैं। अब एफ आई और एक्स आई निकालना है, ये क्या तरीका है, देखिए एफ आई के जो मान है यानी 6, 11, 7, इन सबका गुणा इस एक्स आई वाले मान से करना है और यहाँ लिखना है। देखिए 6 का गुणा 20 से करेंगे, फिर 11 का गुणा 30 से करेंगे, 7 का गुणा 40 से करूंगा, 4 का गुणा 50 से, 4 का गुणा 60 से, ऐसे करके आपको लिखना है इस कॉलम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सभी लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो 6 का गुणा जब मैं किससे करूंगा, 20 से, तो कितना आ जाएगा, 120। फिर इसी प्रकार 11 का गुणा जब 30 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे 330, 330। 7 का गुणा जब 40 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 चौके 28 यानी 280। 4 का गुणा 50 से करूंगा तो 20 यानी 200। 4 का गुणा 60 से करेंगे तो 240, 6 चौके 24, राइट, 240। फिर 2 का गुणा जब 70 से करेंगे तो 140, और 1 का गुणा 80 से करेंगे तो आ जाएगा 80। यानी ये सभी आपने एफ आई एक्स आई निकाल दिया इन सब का गुणा कर करके। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर क्या चाहिए, देखिए माध्य निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूले में माध्य को एक्स बार से लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है, यानी यहाँ पे सिग्मा एफ आई और एक्स आई इन सब का योग करना है। सिग्मा का मतलब होता है योग, तो ये 120, 330, 280, 200, तो इन सबको जोड़ो। जब जोड़ेंगे आराम से आप जोड़ना, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपके, 1390, 1390 आ जाएगा आपका योग। ठीक है, और एक आप निकालना सिग्मा एफ आई, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले के अंदर एफ आई चाहिए, तो सिग्मा जो एफ आई है वो भी आ जाएगा आपके, वो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 का 11 7 4 4 2 और 1, इन सबको जोड़ेंगे तो आपके आ जाएगा 35, 35। ये आप निकालने के बाद इजीली इन फॉर्मूले के अंदर रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1390 तो है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी ये, और सिग्मा एफ आई है वो कितना है, 35 है, सिग्मा एफ आई कितना है, 35, 35। तो ये आ गया, अब 1390 के अंदर 35 का भाग दोगे तो उत्तर आ जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा आपके पास में 39.71। हमेशा लगभग में उत्तर आएगा, जितने भी स्टेटिक्स के सवाल है उनमें लगभग में ही आपके पॉइंट में उत्तर आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट और कम आता है, तो 39.71 आपके उत्तर। ठीक है।